शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसमें गोलियां नहीं है। जाने ना भाई। छोड़ इसे। अपने आप को बचा सके तो बचा ले। कौन बोला है? काली। डैडी, हेलो। हाँ जे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाहर देखिए, एक मैडम हरी पैंट और काली शर्ट में बाहर खड़ी है, डॉक्टर से बात कर रही है। आप जरा उनसे बात करा दीजिए प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके मैडम। कालिया यहाँ भी आ सकता है, आप लोग होशियार रहिए और यहाँ पर नजर रखिए पूरी तरह। आपका फोन। ओके मैडम। एक्सक्यूज मी। राइट। हेलो इंस्पेक्टर प्रियंका सिन्हा, देखिए मैं विजय हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ अभी अभी कालिया जख्मी हालत में अपना इलाज कराने जबरदस्ती घुसाया है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो। ऑफिसर लेट्स गो। ओके मैडम। आपके पेशेंट की तबीयत कैसी है अभी? इज ऑल राइट नाउ। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त को गोली लगी है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। प्लीज वहाँ कार में आइए। चलो डोंट वरी, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। Yeah.
काली, चलो यहाँ से। जल्दी अंदर चलो, हटो हटो यहाँ से। कुछ लोग इधर भाग गए हैं, कुछ लोग उधर भाग के गए हैं मैडम। आप लोग वहां जाओ। यू रास्कल्स, चलो साथ में। फिल्म के चक्कर में रोड पे आ गया ये। ए खान, ए खान, कौन यार? ये साला वही है। साला तुम तो मोची है। ये भाई, ये मोचीगिरी अपना खानदानी धंधा है। हाँ, मेरे को सड़क पे लाने के वास्ते तुम साला डायरेक्टर बना था। अरे सिंपल बात है यार, अपने को एक आदमी ने 1000 रुपए दिया डायरेक्टर बनने के, कोई दूसरा आदमी आके अपन को 2000 रुपए देंगे, अपन उसके बाप बन जाएंगे। यार रात गई बात गई, चल भी आवान दे। एक गिरा करने का टेम हो गया पॉलिस 2-2 रुपए। ये मेरे को ये काम सिखा के तुम यार। काय को नहीं यार, अभी ये तू कार्ड ले, एड्रेस ध्यान से इसे पढ़ लेना। क्या कल सुबह 9 बजे आ जाना, तेरे को मोचीगिरी सिखा देगा। अभी चल निकल, ए पॉलिस 2-2 रुपए में। Hi, Kyle. How are you? तुम वो हीरोइन कोई और? काहे की हीरोइन, मैं तो मुजरा करती हूँ। वो कभी इसकी बच्ची मुजरा करने वाली मेरे को हीरोइन बन के लूटी। अरे तूने भी तो मेरा सब कुछ लूटा है, चल हट। अरे तुमको तो मैं कल टीवी पर देखा था, तुम्हारी फिल्म का मुहूर्त था खबीज का बच्चा, और मैं भी एक फिल्म बनाया था कुत्ते का बच्चा। हम दोनों प्रोड्यूसर भिखारी बन गए, चलो भटियार खाने। बोल, काली को मारने तुमने किसने भेजा? पानी, पानी। बताओगे? नहीं बताओगे तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा हवलदार। मरने से पहले एक सिगरेट तो पी लो, सिगरेट की एक भी चिंगारी अगर बदन पर गिरी तो जलकर राख हो जाओगे। ऑल द बेस्ट हवलदार, इनके मरने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। लगता है कुछ बोलना चाहते हैं। अब बोलो। मिनिस्टर प्रताप सिंह, भवानी सिंह और उनके साथी। हुँ?
एसीपी साहिबा, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? पता करने आए थे क्या कालिया से तुम लोगों की कोई दुश्मनी है? हमारी काय की दुश्मनी, दुश्मन तो कानून का है, देश का है। कालिया को मारने जो गुंडे आप लोगों ने भेजे थे वो मेरी हिरासत में है और मैंने उनसे तमाम बातें उगलवा ली है। कल वो लोग कोर्ट में जाएंगे और आप लोगों के खिलाफ बयान देंगे। काहे हमसे झगड़ा मोल ले रही हो मैडम? दूसरे देशों की तरह हमारा भारत भी 21वीं सदी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जाओ तुम भी लूटो और हमका भी लूटन दो। आप जिस भारत को 21वीं सदी पे ले जाने के सपने दिखा रहे हैं उसकी हालत देखी है? सोना गिरवी रख कर चूल्हा जला रहा है। 1 साल का बच्चा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है लेकिन अपना देश 46 साल का होकर भी ठीक से अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया क्योंकि इसे आप जैसे नेताओं और रहनुमाओं ने पोलियो का मरीज बना दिया है। हम नेता हूँ, हम अपनी टोपी कैसे भी घुमाकर पहन सकता हूँ, तुम घुमाओगी तो उल्टी हो जाएगी। हमें कोर्ट कचहरी ले जाने के मंसूबे मत रखो एसीपी, हम बहुत भारी है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल से जाते हैं। कानून जब दौड़ाता है तो भारी चीज भी हल्की होकर भागती है। कौन सा कानून, किस कानून की बात कर रही है तू चपाती? तू जानती है किसके सामने खड़ी है? अगर मैं अपनी असलियत पे उतर गया ना, तेरी वर्दी की सारी गर्मी उतर जाएगी। यू औरत को नंगा करने वाला दुशासन भले ना बदला हो, द्रौपदी बदल गई। आज द्रौपदी में इतनी ताकत है कि वो अपना चीर बचाने के लिए दुशासन का जांगा चीर सकती है। माय डेट सर, ये यहाँ कैसे आई? हमें गाली देने। क्या विक्रम, अगर इसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ये नामुमकिन है क्योंकि वो दिखती छोटी जरूर है लेकिन है बड़ी पावरफुल। तो ठीक है, हम उसका ट्रांसफर अब गैर कानूनी ढंग से ही करवाऊंगा। यार, अरे मैं कैसे हटाऊं यार?
भाई साहब, मेरी बेटी आपकी ज्योति का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा। और एक बात की बहुत खुशी है कि एक आईपीएस ऑफिसर की शादी एक आईएएस ऑफिसर से हो रही है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके भैया और भाभी इस दुर्घटना में गुजर गए। प्रियंका, मुझे तुमसे एक बात करनी है। नहीं मां, आज जो हालत मेरे सामने है उस हालत में मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, ज्योति की शादी करके उसके घर में जाऊं। तब तक मैं अपनी शादी का ख्याल दिल में भी नहीं ला सकता। तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मेरी ज्योति मुझसे खो गई। मैं जेल से भागकर यहां छुपने नहीं, ज्योति की तलाश में आया। ज्योति को ढूंढने का काम अब मेरा है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगा। जब तक मुझे मेरी ज्योति मिल नहीं जाती, मैं इस अंधेरे से निकल नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन मैं इस मकसद में कामयाब हो गया, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। काली, मेरे पास उन तमाम मिनिस्टरों के खिलाफ सबूत है जिनकी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए उन तमाम मिनिस्टरों को बेनकाब कर दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सॉरी प्रियंका, इसमें गोलियां नहीं है। जब तक मुझे मेरी ज्योति मिल नहीं जाती, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। वल्ला वल्ला वल्ला, ये फिल्म का धंधा का बदला चिल्म का धंधा किया हुआ था, कितने अच्छे होते मेरे भाई। कौन है तेरा खबीस? पानी उड़ाया तेरा तो? अरे भैया माफ करना, वो गलती से हो गया। ये लो, ये छुट्टा रखो, चाय पी लेना। हाँ, अरे ये क्या दुर्घट बना रखी है? ओ, आप समझा, जरूर कोई कैरेक्टर रोल कर रहे हो, है ना? ओए कभी इसका बच्चा, ये सब तेरा मेहरबानी है। तू मेरे को 2 रुपए देता है, 2 कौड़ी का आदमी। मैं मुर्गी का धंधा किया कभी फेल नहीं हुई, बेकरी चलाया मैं फेल नहीं हुई। मैं साला दादागिरी का धंधा किया फेल नहीं हुई, ब्याज पे पैसा दिया फेल नहीं हुई। तू मेरा फिल्म बनाया मैं फेल हुई। हराम ज्यादा, ये खानदा भी पूरा सड़क पे लेके आया तुम। अरे सब ठीक हो जाएगा खान दादा, आपकी कोई चीज सड़क पर नहीं आएगी, धीरज रखो। मैंने आज ही सुभाष घई से बात की है। वो कौन है? अरे बहुत बड़ी पिक्चर बनाने वाला है, मैंने उससे आज ही बात की है और वो आपको अपनी अगली फिल्म में हीरो लेने के लिए तैयार हो गया है। हाँ, बस अब किसी तरह भी एक 10,000 रुपए अरेंज करके दे दो। कभी इसका बच्चा, मैं तेरा 10,000 टुकड़ा कर एक 10,000 टुकड़ा। एक काम, इधर आओ थोड़ा सा, आइए इधर आओ, मैं भी इंसान हूं यार। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इधर थोड़ा सा, इधर देखो भाई, इसमें देखो।
क्या देखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी दिखा था मैं क्या। आज के बाद कोई खान का साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा। सारा तुम्हारे को दो कौड़ी का बनाया, मैं तेरे को बावड़ी का बनाया रामजादे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, कालिया प्रियंका की मदद क्यों कर रहा है जबकि उसकी गिरफ्तारी का वारंट प्रियंका के हाथ में। सर इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। क्या ये? सर सर आप गौर से देखिए ना। सर ये जो है ना, ये एसीपी प्रियंका और कालिया के मंगनी की तस्वीर है। ओहो, तो ये दोनों ठोर मर्द और लुगाई हैं। बिल्कुल सही। अब मैं ये तस्वीर ले जाके कमिश्नर साहब को दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आज तक एसीपी प्रियंका सिन्हा कालिया को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है। भाई मदन, तुम तो कमाल कर दिए हो। अरे सर मैं कमाल करता ही रहूंगा, बस आपका ये जो हाथ है ना, ये मेरे सर पे रहना चाहिए बस। रखूंगा, हमेशा रखूंगा। एसीपी प्रियंका सिन्हा, तुम उसे एक मुजरिम की नजर से नहीं, अपने मंगेतर की नजर से देखती हो। और इस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं करता है, कोई जगह नहीं उसके लिए। लिहाजा मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं अभी और इसी वक्त। ये पार्टी का नशा तो मेरे खून में उतर गया। अरे हाथ पैर तो छोड़ो, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। लेकिन हमका तो अभी तक नशा नहीं हुआ ना। क्यों, अब तो वो एसीपी प्रियंका भी सस्पेंड हो गई। तू तो सस्पेंड हो गई है, कालिया तो अभी तक जिंदा है ना। वो लड़की के साथ नाचते हुए हमारे दिमाग में एक और आइडिया आया है। क्या है? कालिया की एक प्रेमिका है प्रिया, अगर हम वो को उठवा लेना तो वो को बचाने जरूर आएगा। सर अगर ऐसी बात है तो कल ही उसे अरेस्ट कर लेता हूं मैं। मैडम यू आर अंडर अरेस्ट। मगर किस जुर्म में? हमें खबर मिली है कि कालिया के साथ आपका कुछ संबंध है। इंस्पेक्टर साहब आप जानते हैं आप किसकी बेटी को गिरफ्तार कर रहे हैं? मुझे न कुछ जानना है न पहचानना है, मेरे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो आप मिनिस्टर प्रताप सिंह से पूछें। चलिए मैडम आप चलिए प्लीज। तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं डैडी को अभी फोन करता हूं। आप चलिए प्लीज, चलिए। डोंट वरी। हेलो हेलो सर, प्रिया बिटिया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या, क्यों? सर वो प्रिया बिटिया और कालिया के जो आपस में संबंध है ना, उस सिलसिले में पकड़ कर ले गए हैं। उस इंस्पेक्टर का नाम क्या है? इंस्पेक्टर का तो नाम नहीं मालूम, लेकिन सर वो आपके दोस्त है ना, वो मिनिस्टर प्रताप सिंह, उनके कहने पर लेकर गए हैं। सर प्लीज कुछ कीजिए ना। प्रताप सिंह, तुम्हारे चुनाव के पोस्टर हमारे पैसों से छपते हैं, तुम्हारी राजनीति हम जैसे उद्योगपतियों की रखेल है, हम ही उसकी नत उतारते हैं, संतुष्ट हो तो 5 साल तक रहने देते हैं वरना 11 दिन में उठा के फेंक देते हैं उसे। ये ताना किसको दे रहा तू? ताना नहीं दे रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ प्रताप सिंह। क्या कह रहे हो तुम? चंदा और हवाला देकर तुम हम पर एहसान नहीं करते हो, उसके बदले में हम परमिट और लाइसेंस तुम्हारी झोली में डालता हूँ। और एक बात और याद रखना, अब हमारी सरकार है, शराफत से बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिरफ्तार करवाने की? अरे अरे मल्होत्रा साहब आप गलत समझ रहे, ये तो कालिया को फंसाने की साजिश थी। सुना है कि आपकी बेटी कालिया से प्यार करती है, हमने सोचा कि प्रिया को अरेस्ट करवाएंगे तो कालिया उसे छुड़ाने आएगा और हम उसे मरवा देंगे, लेकिन साला आज नहीं। आप फिक्र मत करो, मैं अभी इंस्पेक्टर को फोन करके प्रिया को छोड़ने के लिए कह देता हूँ। अभी इसी वक्त फोन करो। हाँ कर दिया। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम दत्ता हियर। हाँ भवानी सिंह बोल रहा हूँ। बोलो। वो प्रिया को छोड़ दो। क्या? अरे हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दो। समझ गया। मैडम आप जा सकते हैं। We'll be right back.
पुलिस को कैसे पता चल गया कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुमसे मिलती भी हूँ? उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और अचानक छोड़ भी दिया। ये सब पुलिस की अचानक थी, मुझ तक पहुँचने के। काली, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ हो, उस तरफ जाओ। अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना मैं गोली मार दूंगा। जी साहब। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। आप पुलिस की फिक्र छोड़ दो, पुलिस को तो मैं संभालूंगी। आप अंदर तो चलिए। देखिए, पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। अरे हुजूर, ये मेरा अड्डा है, आप अंदर तो चलिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। ओहो, हम सुनने सुनाने के अलावा और कुछ नहीं समझते। नहीं, सुनिए, देखिए, सुनिए। शर्माइए मत।
ये मेरी बेटी है। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे जाने दीजिए, ये मेरी बेटी है, मुझे जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूँ जनाब, ये रंडी खाना है, बहन बेटी भतीजी यहाँ सब लड़कियाँ आने के पहले होती हैं, यहाँ आने के बाद सब रंडी होती हैं। छोड़ दो से। मुझे जाने दीजिए, ये मेरी बेटी है, मुझे जाने दीजिए। अरे जग्गू मंगू आओ फौरन, मैं ना इसे जाने ना पाए। छोड़ इसे, छोड़, नहीं छोड़ इसे, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। सब मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो सब, सब 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 मेरी बच्ची। अब कहाँ की बच्ची? जल्दी काम खत्म करके चले जाओ, आओ जल्दी काम खत्म करके चले जाओ, आओ जल्दी काम खत्म करके चले जाओ, आओ जल्दी काम खत्म करके जल्दी काम खत्म करके चले जाओ। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई प्रिया, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। आओ जल्दी काम खत्म करके चले जाओ। ये सब कैसे हो गया रे? ये सब कैसे हो गया? आपको बचाने के लिए मैं प्रताप सिंह और भवानी सिंह के पास मदद मांगने के लिए गई थी। उन्होंने मुझे वहां बेच दिया। हेलो भवानी सिंह, तेरे किए पापों की सजा तुझे आज मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अपने आप को बचा सके तो बचा ले। कौन बोला है? काली, काली चरण। हेलो हेलो, सुना जी, अगर कालिया कहीं भी नजर आए तो खत्म कर दो। अच्छा जा। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते जी। मेरी बोली वाली जनता नमस्कार।
मुझे दुख है कि आपसे वोट लेने के बाद 5 साल के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को भूल गया, बल्कि इन 5 सालों में मुझे 5 बार हार्ट अटैक हुआ, मगर मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। इसीलिए नहीं कि मैं अमेरिका जाकर के इलाज करवाया, बल्कि इसलिए जिंदा हूं कि आप लोगों के दुआएं और प्यार मेरे साथ है। हरामजादे, ये लोगों का प्यार या दुआएं नहीं, ये दिल्ली की सियासी रबड़ी का असर है, वरना 5 झटके में तो सुअर भी नहीं बचता। इज्जत, प्यार, मोहब्बत, उम्मीदों से कोई वास्ता नहीं है ना। आज उस कुर्सी के साथ तेरा राम नाम संत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई भवानी सिंह को कोई नहीं मार सकता। पकता है तू? झूठ बोला है तू? कहते कि सब गलत है, कहते गलत है। भाई जी सच है, और वो कालिया आपको भी 24 घंटे में खत्म कर देगा। तुम लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। ओके सर। सर, सरकार ने हमें आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। प्रोटेक्शन? हमारी प्रोटेक्शन? इंस्पेक्टर, हम किसी मिनिस्टर की बेवा औरत नहीं हूं जिसे बॉडीगार्ड की जरूरत है। कालिया प्रताप सिंह को छू भी नहीं सकता। हम जानता हूं हमको क्या करना है। कालिया, कैच मी इफ यू कैन। हम जानता था तुम यहाँ आएगा, इसलिए हम त्योहार के लिए यहाँ एक तोहफा भी रखा हूँ। चाचू, काली, चाचू बचा, काली हमें बचा। रुपए रुपए में बिकी है ये रंडी खाने में, फिर भी तू इसे बहुत मोहता है। हरामजादे, तीर बन के चुबा है तू यहाँ हमरे दिल में। कितने टुकड़े करूंगा तेरे उतने युगों तक। भाई भवानी की आत्मा को शांति मिलेगी। तू क्या मेरे टुकड़े करेगा हरामजादे? टुकड़े तो
मैं तेरे करूंगा। वो जज होता है जो फैसला सुनाने के बाद कलम तोड़ता है। हम कलेक्टर थे, गला काट देंगे लेकिन तलवार की धार नहीं जाने देंगे। अच्छा, सेव देम इफ यू कैन। ये वर्दी पहनने का हक किसने दिया तुझे? तेरी गद्दारी की वजह से मेरी ये वर्दी उतरी थी, लेकिन मेरी ईमानदारी ने तुझे अरेस्ट करने के लिए ये वर्दी लौटाई है। नाउ मूव इट, मूव इट। Ah!
बच्चू। Oh, my God.